एमपी में तलखी के बाद समाजवादी पार्टी अमेठी में राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, इसका जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा कर दिया है जो कांग्रेस के लिए तो राहत की बात होगी लेकिन बीजेपी की बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती है। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच तल्खियों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी में हुए अपमान का बदला समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस से लेगी या नहीं, जिस पर अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रविवार को शिवपाल यादव अमेठी के दौरे पर थे जहां उन्होंने अपने बयान में स्मृति ईरानी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। सपा नेता ने कहा, उनके बारे में तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, यहां की जनता को पता है उनके बारे में और मुझे लग रहा है यहां का जो माहौल मैंने देखा है उससे तो लगता है कि यहां की जनता उन्हें हरा कर ही भेजे। शिवपाल यादव ने अमेठी से उम्मीदवार उतारने के सवाल पर कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कहां से किसको उतारे और किसको नहीं है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि अभी समय है, अभी इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद चाहे तो प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस का चाल चरित्र पहले ही पता चल गया। उस पर शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो शिवपाल यादव ने जवाब दिया कि हमारी पूरी तरह से राय है कि बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना है वो मजबूत हो। शिवपाल यादव के इस जवाब से स्पष्ट हो गया है कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी तीर चलते रहे थे, तब अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए गए थे। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।